गाजियाबाद के अंदर डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट ऑफिस आज यहाँ समस्त कार्यकर्ता सुबह से हजूम जुड़ा हुआ है। भारत पंचम सरकार से ये डिमांड है कि एस सी एस टी जो क्रीम लेयर है उसका और वर्गीकरण है उसके विरोध में पूरा समाज सड़कों पर ये कार्यालय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है आरक्षण के खिलाफ उसके
वर्गीकरण के खिलाफ जो डिसीजन आया, केंद्र सरकार संसद के अंदर कानून लाकर उसको वापस करे और आरक्षण को, SC ST के हकों को, अधिकारों को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। जी अनिल जी, आप बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत हैं मोदी नगर से, और जब से 24 से सरकार 14 आई है, 14 से 24 होगी, 11वीं साल चल गई, SC समाज सबसे ज्यादा रोडों पर है, ऐसा कारण क्या है? रोडों पर उतरे, ज्ञापन दें। हमने अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो पूरा वर्ग, पूरे दलित समाज, SC समाज, OBC समाज के लोग पूरा आंदोलन करेंगे, और इसके खिलाफ आदरणीय बहन कुमारी महाजी जी का हमें आदेश है, तो हम उनके बहन जी के आदेश के लिए, आदेश पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हटियो भाई हटियो, उनके पीछे जाओ ना, जब भी तो आओगे मीडिया में, यहाँ उनके खड़े होने से क्या फायदा है? हाँ जी वकील साहब, हमारे नहीं लोग बैठ गए, दलित PDA की वोट लेके बैठ गए, लेकिन जब बोलने का मौका आया, पहले संवैधानिक को संसद में लेके जा रहे थे, अब कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन समय बनता किसी नीति को, तो रात 8 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ से अखिलेश यादव जी का आह्वान हुआ कि समाजवादी पार्टी इस भारत बंद का बिल्कुल समर्थन करेगी, और हर मोर्चे पर जो दलित पिछड़े लोग हैं, शोषित हैं, उनका हर तरह से समर्थन करेंगे। धन्यवाद। एक भी वीडियो नहीं आया अखिलेश जी का जिसमें बयान दिया गया हो कि हाँ जी हम अगले ये भारत बंद का समर्थन करते हैं SC ST वर्गीकरण पे, और ये महाशय के बोल रहे हैं कि उन्होंने कर क्या बंद कमरों में काम होता है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते, क्या उनको डर क्या है कि हिंदू वोट खिसक जाएगा? SC ST के हक में अगर बोलेंगे तो हिंदू वोट खिसक जाएगा क्या? क्या इस तरीके से अंदरूनी चुप बातें चल रही है वहाँ पे? अरे जब तुमने खुद के संविधान को हाथ में लेकर के और कहा था कि संविधान बचाने के नाम पर SC ST हमें वोट दो, तो उन्होंने खुद कर वोट दिया, सर कितने सांसद जिताए, क्या उनके मुँह से कभी आपने सुना क्या नाम है उन्होंने कहा कि हम भारतवाद का समर्थन करते हैं? सबसे पहले 1 अगस्त को यह फैसला आता, उसके बाद बहन जी ने ट्वीट करते हुए सबसे पहले विरोध जताया, और उन्होंने अपने BSP पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सबसे अपील की कि आप सड़कों पर उतरिए, और संवैधानिक तौर पर आराम मतलब बगैर तोड़फोड़ किए संवैधानिक रूप से ज्ञापन सौंपिए। चाहते हैं तो हम लोग भी करना होकर के ही काम कर सकते हैं, मगर नहीं, हम संवैधानिक दायरे में लेकर सारा काम करते हैं, और आप देखा होगा कि रास्ते भर से लेकर कोई भी उपद्रव नहीं हुआ है, और DVM TM के यहाँ भी तो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, वो भी बड़े शांतिपूर्वक करके सौंपा जा रहा है। आदेश का ये है कि आज जो भारत बंद है, और 18 में भी भारत बंद हुआ था, तो आज की जो डिमांड है उसमें समाज डिमांड क्या रखना चाहता है? ये भारत की मूल निवासी समस्या है जी, जो भारत में मूल रूप से जन्म सरकार जी जी, आज डिमांड क्या है? आज डिमांड बताओ क्या डिमांड जो है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे जी जी, जो भारत सरकार ने कोर्ट के माध्यम से फैसला सुनाया है जी, उसको हम संवैधानिक दायरे में रहकर, हम मानवीय आधार पर हम लड़ाई आर पार के लड़ेंगे संवैधानिक दायरे में, परिणाम कुछ भी आए ठीक है, जब हम प्रयास करेंगे परिणाम तो बेहतर आएगा जी। जय भी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट।
का जो आदेश है उसे रद्द किया जाए, आरक्षण को लेकर कानून बने जिससे उससे आगे कोई छेड़छाड़ ना हो। आरक्षण नौवीं जो सूची होती है संविधान के अंदर, नौवीं सूची जो है उसमें आरक्षण क्यों नहीं डाला जाता? ये राजनीतिक भेदभाव है, जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि आरक्षण जो है अधिकार बने, इसीलिए हमेशा इसको लेकर तरह तरह के रास्ते अपनाते रहते हैं इसे खत्म करने के, लेकिन हम लोग इसे खत्म होने नहीं देंगे। 2018 में भी देश बंद हुआ था और आज भी बंद है। 2018 में भी देश बंद हुआ था और आज भी हो चुका। जब से ये सरकार आई है, जब से ऐसी समाज सबसे ज्यादा रोडों पर है, ऐसा क्यों है? जहाँ इन्हें मौका मिलता है तब तभी ऐसे काम करते रहेंगे, और जैसा विरोध इनका 2018 में हुआ आज हुआ, आगे भी होता रहेगा। ये चीज इन्हें समझनी पड़ेगी, ये इसे आज समझ लें या आने वाले समय में समझ। आप टीचर भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को राइट है कोई कानून बनाना या काटना? सुप्रीम कोर्ट का काम केवल संसद में बने हुए कानूनों का पालन करना है। ये उनका आदेश है, गैर संवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी जी, उधर लगाओ। आपकी विज्ञप्ति क्या है प्रवीण जी, बताइए। ब्याज जी पहचान रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी जो हमारी सरकार चल रही है यहाँ पर सिर्फ जातवाद है, जातवाद बढ़ गया है। आज मैं खुद परेशान हूँ, मैंने 30 साल नौकरी करी, 30 साल नौकरी में हम जो निम्न लोग के जो है ना वही वर्क करते हैं, बाकी जो अपर वाले हैं ना जाति से सम्मान पाकर कुर्सी पर बैठे। क्या लग रहा है, टारगेट किया जा रहा है? कभी क्रीमी लेयर वाले मुद्दे आ जाते हैं और कभी ये वाले मुद्दे आ जाते हैं। मुझे तो पता है कि हम बेशक, मैं तो आज़ाद हूँ नहीं, मैं अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस होता, नहीं होता मेरे को महसूस। मैं अपने गली मोहल्ले में किसी सुरक्षा से होता है ना किसी जाति से होता है। मुझे तो आज भी मेरा पड़ोसी मतलब घर से पानी पका के फेंकते जाते, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ भाई। उनके पूर्णिमा, उनके मावस, उनके त्यौहार मनते हैं तो उनका गंदा पानी हमारे आएगा और हमें वो प्रताड़ित करते हैं। हमारे खुद अपने लोग हमारे साथ नहीं होते हैं फिर उस बात पे। जातिवाद गया कहाँ, जातिवाद तो रहा है। वो जाति जनगणना की बात भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्यों सरकार नहीं करा रही है? उनका क्या ये इसमें निकाल है जो है, यदि जनगणना करा दी गई तो 85% से भी ज्यादा ये जो बहुजन समाज निकलेगा, और यदि 85% से भी ज्यादा बहुजन समाज निकलेगा तो 19% के हिसाब से उनको नौकरी देने का हिस्सेदारी से बचाना चाहती है सरकार। ये बचाना चाहती है क्योंकि ये ऑलरेडी जो 15% से भी कम है, ये लोग 60% सीटों को खाए बैठे हुए हैं, तो इनको दर्द लगेगा कि यदि सीटें खाली रहती है लेकिन फ्री नहीं रहती। वो ये भी कहते हैं जाति गणना कराने से जातिवाद और बढ़ जाएगा, अगर हम बंधा रहे हैं इससे। आरक्षण देने से यदि जातिवाद बढ़ता है तो फिर जातियों को खत्म कर दीजिए, आरक्षण को खत्म करने से पहले जाति को खत्म कर दीजिए, तो जब जातियां खत्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जाति का जो वो है आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। वैसे भारतीय संविधान में जाति से आरक्षण नहीं मिला है, बल्कि SC ST OBC से आरक्षण मिला है। आज ये SC ST के साथ किया जा रहा है, कल को OBC के साथ भी किया जाएगा। आज हमारे OBC समाज भाई बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए, तो उनको ये है ये नहीं पता है कि आज मुर्गा कट रहा है तो कल को बकरा के भी जो है नौ बताएगी, उनको नहीं पता है। और बाल्मीकि समाज को बड़गला दिया गया है कि आपका जो आरक्षण है वो चुमार जाकर खा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उस जाति में जो जाकर चुमार चले हैं और उनके चल चुनाव पर चल करके उन्होंने पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करने के बाद में ये उन्होंने मेहनत करके ये सब पाया है, लेकिन हमारे बाल्मीकि समाज मैंने 25% सरकार से आत्रा होता है, उसके बाद कोर्ट से आत्रा होता है, लेकिन कोर्ट ने ये सारा जो फैसला दिया तो कैसे लग रहा है सरकार के हिसाब से समय पर नहीं दिया है। और जातियों में एक दूसरे जो हमारी SC ST जातियां हैं जो वर्ग है उसको बांटने का काम किया है, और ये हमें बिल्कुल मंजूर।
मंजूर नहीं है। हम इसके लिए जो आज भारत बंद का जो कार्यक्रम चला है इसके जरिए से हम माननीय राष्ट्रपति महोदय आज का निर्णय करेंगे कि वो अपने स्तर से इस जो ये आदेश दिया है इसको निष्क्रिय करने का काम करें। राष्ट्रपति को अभी भी इसका अधिकार नहीं है। ये एससी और एसटी के ऊपर छेड़ने का अधिकार राष्ट्रपति को भी अभी नहीं है आर्टिकल 341 के तहत। बस हाँ, वो थोड़ा सा अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास अधिकार है तो आर्टिकल 154 के जो 154 है उसमें जो समाज एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है उसमें 340 का हवाला है ओबीसी समाज का आधार, बैकवर्डनेस का आधार, उसके पिछड़ेपन का आधार, उसको आरक्षण देने का आधार, उसको अपलिफ्ट करने का आधार, उसको एडवांसमेंट ट्रीटमेंट देने का आधार, सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो है वो ओबीसी समाज के लिए है। बैकवर्ड का आधार ओबीसी समाज के लिए सोशली एजुकेशन भी है, लेकिन एससी समाज के लिए ये आधार नहीं है। उस आधार को सुप्रीम कोर्ट इसको पढ़े, इसका इंटरप्रिटेशन करे। एससी और एसटी के अंदर छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका आधार है बैकवर्डनेस का अनटचेबिलिटी। अछूतपन जो है कि समाज को छू नहीं सकते वो एससी समाज है। जो समाज जंगलों में चला गया वो एसटी समाज है, उसके साथ छेड़ना और संविधान के अंदर भी अमेंडमेंट करने का प्रावधान है। आप किसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।